Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 2, The King and the Nightingale. Raja or Bulbul. Once there was a king who lived in his place. His palace was near an orchard. एक बार एक राजा थे जो कि अपने महल में ही रहते थे और उनका जो पैलेस था महल था वह एक ऑर्चर्ड के पास था. द किंग वॉज हेल एंड हर्टी. जो राजा थे बहुत हसमुख हसपुष्ट थे, स्वास्थ्य से बहुत हसपुष्ट थे. एंड वॉज स्पेंडिंग हिज डेज क्वाइट हैप्पली. और अपना जो जीवन बिता रहे थे बहुत खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे. बट वन डे ही हैड सम प्रॉब्लम. लेकिन एक दिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई और बहुत डिस्टर्ब हो गए. तो ही वॉज रेस्टलेस. वह सो नहीं पाए. एंड कुड नॉट स्लीप द होल नाइट. और सारी रात वह सो नहीं सके. उन्हें आराम नहीं मिल पाया. ही केप्ट ऑन मूविंग अनइजली इन हिज बेडरूम. और वह अपने बिस्तर पर अनइजी होकर के इधर से उधर करवट बदलते रहे. सडनली अचानक ही द किंग हर्ड द मेलोडियस वॉइस ऑफ ए नाइटिंगल. अचानक ही राजा ने एक बहुत ही मीठी आवाज में एक बुलबुल को गाते हुए सुना. विच हील्ड द किंग डिस्ट्रेस माइंड टू सम एक्सटेंट. जो कि क्या कर रही थी, राजा की जो उदासी थी, जो निराशा से भरा हुआ जो दिमाग था उसको शांत कर रही थी. ही हैड नेवर हर्ड. और जो राजा थे उन्होंने ऐसी मेलोडियस वॉइस को कभी सुना नहीं था. सो ही सेड टू हिमसेल्फ. इसलिए उन्होंने अपने आप से कहा कि व्हाट काइंड ऑफ बर्ड. यह पक्षी कौन है, यह पक्षी क्या है. अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी. द किंग कॉल्ड हिज सर्वेंट्स. राजा ने अपने सर्वेंट्स को कहा कि एंड ऑर्डर देम. और उनको आज्ञा दी टू ब्रिंग दैट बर्ड बिफोर हिम. कि वह पक्षी यहाँ पर लाया जाए. द सर्वेंट वेंट इन टू द गार्डन एंड सर्च फॉर द बर्ड ऑल डे बट इन वेन. जो सर्वेंट्स हैं वे बगीचे में गए और उन्होंने सारा दिन पक्षी को सर्च किया लेकिन उन्हें नहीं मिला. नाउ इट वॉज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो गया. सो बींग होपलेस वो होपलेस हो गए. और सर्वेंट रिटर्न टू द पैलेस. और वापस महल में वापस आ गए. ऑन देयर वे. इसी तरीके से नियर ए स्ट्रीम दे सा ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री. रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पक्षी कहाँ बैठा हुआ है, एक स्ट्रीम के पास में बैठा हुआ है. तो शी वॉज सिंगिंग मेलोडियसली. और वह बहुत मधुर स्वर में गा रहा था. दे वेंट नियर द बर्ड विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल. वे पक्षी के पास गए. पक्षी बहुत सुंदर था. दे रिकॉग्नाइज्ड इट टू बी द नाइटिंगल. उन्होंने देखा कि ये क्या थी, एक बुलबुल थी. द सर्वेंट्स टोल्ड द नाइटिंगल अबाउट द विश ऑफ देयर किंग. जो सर्वेंट्स थे उन्होंने नाइटिंगल को अपने राजा की जो इच्छा थी उसको बताया. एंड रिक्वेस्टेड टू अकम्पनी देम टू द किंग. और उन्होंने राजा के पास जाने के लिए उसे रिक्वेस्ट की. दो द बर्ड डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद देम. लेकिन जो पक्षी था वह उनके साथ नहीं जाना चाहता था. इट वॉन्टेड टू मेक द किंग हैप्पी. वह राजा को खुश रखना चाहता था. सो इट वेंट अलोंग विद द सर्वेंट्स. और इसीलिए वह सर्वेंट्स के साथ चला गया. रीचिंग द पैलेस. पैलेस में पहुंचने के बाद द सर्वेंट्स पुट द नाइटिंगल बिफोर द किंग. जो सर्वेंट्स थे वे राजा के सामने नाइटिंगल को लाए. द किंग थैंक्ड द नाइटिंगल ए लॉट एंड रिक्वेस्टेड इट टू सिंग मेलोडियसली. राजा ने नाइटिंगल से को धन्यवाद दिया, बहुत सारा धन्यवाद दिया. और मधुर स्वर में गाने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की. द नाइटिंगल सेंग सो स्वीटली. नाइटिंगल ने इतना मधुर स्वर में गाया दैट द किंग बिकेम वेरी हैप्पी. कि राजा बहुत खुश हुआ. ही कमांडेड हिज सर्वेंट्स टू पुट द बर्ड इन द पैलेस. और उसने पक्षी को पैलेस के अंदर ही रखने का आदेश दे दिया. ए केज ऑफ गोल्ड. सोने के पिंजरे में पक्षी को रखा गया. एंड इट वॉज पुट इन
पुट इन इट, और उसमें उसको रख दिया गया। एक सोने का पिंजरा लाया गया और उसमें उस पक्षी को रख दिया गया। ऑल्दो द नाइटिंगेल लिव्ड इन ए केज ऑफ गोल्ड, यद्यपि जो बुलबुल थी वो एक सोने के पिंजरे में रहती है, एंड गॉट ऑल कम्फर्ट्स, यट इट वॉज नॉट हैप्पी, उसे सभी आराम दिए जाते हैं लेकिन वह खुश नहीं थी। इट्स सेइंग फॉर द किंग, वह राजा के लिए गाती है, बट द सॉन्ग्स वर नॉट सो मेलोडियस, लेकिन जो उस गाती है वो मेलोडियस उसकी आवाज नहीं होती है। सो द किंग कुड नॉट एंजॉय दीज सॉन्ग्स एज अर्लियर, और इसलिए राजा अब पहले की तरह बहुत इंजॉय नहीं ले पाए। वन डे एक दिन वन ऑफ किंग्स फ्रेंड, राजा के एक मित्र ने ब्रॉट मैनी प्रेजेंट फॉर द किंग, राजा को बहुत सारे प्रेजेंट उपहार में दिए। अमंग दोज प्रेजेंट, उन्हीं प्रेजेंट्स में से एक, देयर वॉज ए टॉय नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का एक खिलौना था। इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर था, एंड ग्लिटर्ड ब्राइटली, और चमक रहा था। इट हैड ए की ऑन इट्स हेड, उसके हेड के ऊपर एक चाबी लगी थी। द किंग्स फ्रेंड मेड ए डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर द किंग एंड द टॉय नाइटिंगेल, सिंग मेलोडियसली लाइक ए रियल नाइटिंगेल फॉर लॉन्गर टाइम। जब उसमें चाबी भर दी तो राजा के मित्र ने जब टॉय के अंदर चाबी भर दी तो जो टॉय था वो एक रियल नाइटिंगेल की तरह ही एक लंबे समय तक गाना गाने लगा।